Okay, students, so we will start the next part of our phyllotaxy. No, not phyllotaxy, inflorescence. The next part of the inflorescence. इन्फ्लोरेसेंस में अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने ये देखा अप टू दी कोरिम्ब अम्बल, यानी कि मेन एक्सिस जो है वो शॉर्ट एंड कंडीशन में. इसके हमने दो देखा, कोरिम्ब देखा, एम्बल देखा. नाउ कोरिम्ब एंड एम्बल के ये मेन एक्सिस शॉर्ट एंड, इसके बाद मेन एक्सिस जो है हम लोग देखेंगे फ्लैट एंड. मेन एक्सिस जो है वो फ्लैट एंड. So let us write down our main axis जो है वो flattened. इससे पहले क्या देखा, main axis elongated, उसके बाद क्या देखा, main axis shortened. अब हम लोग देखेंगे main axis जो है flattened. यानी कि रेस्मोस विद द फ्लैटन एक्सिस, रेस्मोस विद द फ्लैटन एक्सिस. इस जगह पे दो बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं, बहुत कुछ सीखना है इस जगह पे. इसका नाम है कैपिट्यूलम. इस टर्म को कहते हैं कैपिट्यूलम. नाउ व्हाट इज दिस कैपिट्यूलम? कैपिट्यूलम द रिसेप्टिकल, हेयर द रिसेप्टिकल. कैपिट्यूलम का मतलब है हेड. कैपिट्यूलम का मतलब है हेड. यहां पर ही हो क्या रहा है, रिसेप्टिकल इज फ्लैटेन. एक एक करके पॉइंट को देखेंगे, पिक्चर ड्रॉ करेंगे और सुनेंगे, हम समझेंगे. रिसेप्टिकल इज फ्लैटेन. Now what is this receptacle? Normally आप देख रहे हो ये अगर ये स्टॉक है, ये अगर स्टॉक है तो इसके ऊपर में एक छोटा सा इस टाइप का receptacle होते है, और इसी receptacle के ऊपर आपकी जो भी फ्लावर है वो फ्लावर इस तरह का इसमें यहाँ से बनते हैं. Do you understand? Now this is called as the receptacle part. अब यहाँ पर ही receptacle जो है वो flat टाइप का है, इस टाइप की है. रिसेप्टिकल इज लाइक दिस टाइप का, ये है इसकी स्टॉक और ये है इसके रिसेप्टिकल जो कि फ्लैट टाइप का है. अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ओवर द रिसेप्टिकल, ओवर रिसेप्टिकल सेसाइल एंड स्मॉल फ्लोरेट. Sessile and small florets are found. Students, दो वर्ड को याद देखो, गौर करो. एक है sessile, दूसरा है florets. Florets का मतलब है small small flowers. So इसके ऊपर में हम draw करेंगे sessile flowers के बारे में. इसके ऊपर हम इस तरह का सेसाइल एंड स्मॉल फ्लोरेट्स को ड्रॉ करेंगे. डू यू अंडरस्टैंड? इस टाइप की सेसाइल एंड स्मॉल फ्लोरेट्स को ड्रॉ करेंगे, करेक्ट? सो ये इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनेगा. एक एक स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, सेसाइल एंड स्मॉल फ्लोरेट्स बन रहा है. इसके कुछ कायदे होंगे. कायदे क्या है, यंगर और यंगेस्ट फ्लावर फ्लोरेट जो है सेंटर में होगा. यंगेस्ट फ्लोरेट जो है इन सेंटर, और ओल्डर फ्लोरेट जो है फ्लोरेट एट पेरीफेरी, एट दी पेरीफेरी.
चलिए इस जगह को समझते हैं, फिर से हम ड्रॉ करेंगे एक फ्लैट बेस को ड्रॉ करेंगे। फ्लैट बेस को ड्रॉ करने के बाद यंग फ्लावर जो छोटे होंगे एट सेंटर होंगे। अब यहां से फ्लोरेट का साइज बढ़ रहा है, ये ओल्डर है। इस टाइप की फ्लावर की अरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट क्या होगा, इस टाइप की होगा। अब इसके बाद क्या कहेंगे, द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ये जो ये जो इंडिविजुअल फ्लोरेट्स है वो फ्लोरेट्स है ब्रैक्टिएट इन इंडिविजुअल फ्लोरेट जो है आर ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट का मतलब क्या है, ब्रैक्ट यानी कि फ्लावर। ये सपोज ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, ठीक है, ये एक हो वो ये इस पे आते हैं। सो इसमें ना एक ब्रैक्ट होते हैं इस तरह का, किसी में इस तरह का ब्रैक्ट होते हैं, किसी में इस तरह का ब्रैक्ट होते, ये ब्रैक्ट है, दीज आर कॉल्ड एज ब्रैक्ट। कभी कभार ब्रैक्ट आपका इस टाइप का भी हो सकते हैं, इस टाइप का नहीं, इस टाइप का भी ब्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है, और कभी कभार ब्रैक्ट का भी एपी ब्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो दो टाइप की ब्रैक्ट ही मैं बता देता हूं, ये ब्रैक्ट है, ये भी ब्रैक्ट है, ब्रैक्ट होता है। तो इंडिविजुअल फ्लोरेट्स जो है, सपोज ये एक इंडिविजुअल फ्लोरेट्स है, छोटा सा एक फ्लोरेट्स, लेकिन ये फ्लोरेट्स है और इस इंडिविजुअल फ्लोरेट इस टाइप का ब्रैक्टेड है। समझ में आया, इंडिविजुअल फ्लोरेट जो है इस टाइप की ब्रैक्टेट है। अब होल क्लस्टर ऑफ फ्लोरेट इसके बाद जो होल क्लस्टर ऑफ होल क्लस्टर ऑफ फ्लोरेट, ये होल क्लस्टर ऑफ फ्लोरेट्स आर कवर्ड बाय ब्रैक्टेट। ये सबको मिला के एक ब्रैक्टेट होते हैं, कवर्ड बाय ब्रैक्टेट। नाउ दिस इज कॉल्ड एज, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इनवॉल्यूकर, इसको कहते हैं इनवॉल्यूकर, सीआरई कर, इनवॉल्यूकर कहते हैं इसको, ठीक है, इनवॉल्यूकर। आप अब समझ गए होंगे कि इस टाइप की फ्लावर किसमें होता है। अगर नहीं समझा तो ये फ्लावर भी, फ्लोरेट्स भी दो टाइप के होते हैं। फ्लोरेट्स आर ऑफ टू टाइप, ये दो टाइप क्या क्या है, सबसे पहले इसको कहेंगे रे फ्लोरेट, एंड इसको कहते हैं डिस्क फ्लोरेट। क्या कहते हैं, डिस्क फ्लोरेट, रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट, वेरी गुड। अब इस रे फ्लोरेट का मतलब क्या है, रे फ्लोरेट का मतलब क्या है, रे फ्लोरेट का मतलब है फ्लोरेट अरेंज्ड एट पेरीफेरी। फ्लोरेट अरेंज्ड दे आर व्हाट, पेरीफेरी,
पेरीफेरी में कौन सा फ्लोरेट रहते हैं? ओल्डर ओल्डर फ्लोरेट, इसको कहते हैं रे फ्लोरेट. दीज आर डिस्टिंक्टिवली, एकदम अलग से, देज आर डिस्टिंक्टिवली येलो कलर. दीज आर डिस्टिंक्टिवली येलो कलर. दीज आर डिस्टिंक्टिवली येलो कलर, ठीक है. इसके बाद ट्रैप ट्रैप शेप पेटल्स, मीनिंग को समझाता हूं, पहले लिख लेता हूं. ट्रैप शेप, ये बुकिश लैंग्वेज है, इसको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इसी तरह बुकिश लैंग्वेज को यूज करते हैं. समझाने के लिए तो अभी मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझा दूंगा. ट्रैप शेप्ड इसका है, इसको कहते हैं पेटल. पेटल किसको कहते हैं? पेटल. पेटल्स को हिंदी में कहते हैं पंखुरी. जो भी फ्लावर का आप पंखुरी देखते हो उसको कहते हैं पेटल्स. स्ट्रैप शेप्ड का मतलब क्या है? स्ट्रैप का मतलब है फ्लैट फ्लैट, ठीक है, फ्लैट शेप, ठीक है. दीज फ्लोरेट्स दीज फ्लोरेट्स आर आइदर फीमेल, ये फीमेल होगा, और या तो स्टेराइल होगा. रे फ्लोरेट्स आर आइदर फीमेल आर और आई मीन स्टेराइल टाइप. एंड समझ में आया? इसके साथ साथ जनरली इस टाइप की फ्लोरेट क्या होते हैं? जाइगोमॉर्फिक. ये वर्ड आपको अभी आएंगे, समझा देता हूं. मॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक मतलब कैन इक्वली डिवाइड ऑन वन प्लेन ओनली, सिर्फ कोई भी एक प्लेन में, कोई एक पर्टिकुलर प्लेन में आप फ्लावर को इक्वली डिवाइड कर सकते हो. इस टाइप को कहते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर. क्या कहते हैं? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर. दूसरे टाइप की फ्लावर होते हैं उसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री, वो हम लोग आएंगे देखेंगे बाद में. लिख लेते हैं फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इक्वली इन टू हब्स ऑन एनी प्लेन. कोई भी प्लेन से इसको काटो, फ्लावर इक्वली दिखेंगे, दोनों साइड इक्वल होंगे. इस टाइप की फ्लावर को कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक. मैं आपको लिखता हूं, एक टाइप को फ्लावर को कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक. क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक. और इसको क्या कहते हैं? जाइगोमॉर्फिक. फ्लावर को इक्वल दो हाफ में आप डिवाइड कर सकते हो, ओनली ऑन अ वन प्लेन, सो इसको कहते हैं जाइगोमॉर्फिक. और इधर इसको कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक. अब ये रे फ्लोरेट के बाद दूसरी टाइप की फ्लोरेट जिसका नाम है डिस्क
फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट कहते हैं, डिस्क फ्लोरेट में प्लेस्ड इन सेंटर, ये सारे यंग फ्लावर्स है, सेंटर में है, दे आर एक्टिनोमॉर्फिक, दे आर एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक के साथ दे आर बाईसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द सेम फ्लावर, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन सेम फ्लावर, तो इसको कहेंगे बाईसेक्सुअल फ्लावर। सो एक तो एक्टिनोमॉर्फिक है, दूसरा ये बाईसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन रे फ्लोरेट या तो ओनली फीमेल या तो स्टेराइल है, और डिक्स फ्लोरेट जो है इस टाइप की है। डिक्स फ्लोरेट का हम लोग इस टाइप की कैपिट्यूलम फ्लावर का एग्जाम्पल को देखेंगे। कैपिट्यूलम फ्लावर, कैपिट्यूलम फ्लावर का एग्जाम्पल है सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, देखा है मैरीगोल्ड फ्लावर आपने, गेंदा फूल कहते हैं इसको, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, द बेस्ट एग्जाम्पल। अब इसके बीचों बीच अगर आप इस फ्लावर को देखोगे, सो लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। सो लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल फॉर दैट, प्लीज होल्ड फॉर अ सेकेंड, आई विल गिव यू एग्जाम्पल। सब आपको डिक्स फ्लावर ऑन रे फ्लोरेट का एग्जाम्पल मिल जाएंगे। नाउ यू लुक एट दिस थिंग, ये फ्लावर को आप देखो तब आपको समझ में आ जाएगा। सो इसके सेंटर में, ये जो आप सेंटर में आप देख रहे हो, लुक एट दिस, है ना, फ्लावर को देख पा रहे हो, लुक एट दिस, देखो ये लार्ज पेटल वाले जो है, लार्ज पेटल वाले, ठीक है, ये ओल्डर फ्लावर है लार्ज पेटल, और ये जो आप साइड में ये राउंड में देख रहे हो, ये आपकी ये आपका स्क्रीन नॉट विजिबल, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, स्क्रीन को विजिबल कर देते हैं अभी अभी, स्क्रीन विजिबल नहीं है, अब स्क्रीन विजिबल हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है, दिख रहा है, कैन यू सी, इज दैट, हाँ, तो आप इसको देखो, ये देखो येलो कलर का है, थोड़ा डिस्टिंक्ट येलो कलर का, मैंने क्या बताया, डिस्टिंक्ट येलो कलर का। तो ये जो आउटर रेंज देख रहे हो, ये लार्ज पेटल्स है, ये ओल्ड फ्लावर्स है,
इसके बीच में जो देख रहे हो ये भी एक दूसरी टाइप की फ्लावर्स है, ये आपकी यंग फ्लावर्स है, छोटे हैं। अच्छा, इनमें भी आप ये देख सकते हो, ये देखो बीच में आपकी इसकी एक हेड टाइप का पोजीशन है, बीच इसमें इसकी सेंटर में आपकी एक हेड टाइप की पोजीशन है। अब ये जो फ्लावर है इनमें से बाहर की तरफ जो फ्लावर है ये आपकी रे फ्लोरेट्स है, जनरली या तो ये फीमेल होते हैं या तो ये स्टेराइल होते हैं। कुछ और भी अगर हम लोग एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो यू कैन सी दिस थिंग्स, दिस वन विल बी गुड एनफ या दिस वन विल बी गुड एनफ, आप देख सकते हो। ये देखो फ्लावर किस टाइप का होता है। तो ये जो फ्लावर है आप ये फ्लावर को आप बाहर में जो देख सकते हो इसकी जो सराउंडिंग्स में है ये आपकी रे फ्लोरेट्स है, रे, और अंदरूनी जो फ्लावर है वो आपकी डिक्स फ्लोरेट है, ये आपकी डिक्स फ्लोरेट है। एक बार और आपको दिखाओ, ये देख। अब आप इसको इस पिक्चर को गौर से देखो, देखो फ्लावर की, ठीक है। अब देखो यहां पर ही आपकी इसकी रे फ्लोरेट दिखाई दे रहा है, ये देखो रे फ्लोरेट मेरे पिक्चर जो चल रहा है, ठीक है, रे फ्लोरेट दिखाई दे रहा है, रे फ्लोरेट यहां पर ही दिखाई दे रहा है आपकी लार्ज पेटल वाले, और इसमें आपकी स्मॉल वाले दिखाई दे रहा है आपकी डिक्स फ्लोरेट जो कि सेंटर पे है, आप देख रहे हो सेंटर पे है, पेडंकल, ये पेडंकल है, ये जो होल्ड करके रखते हैं इसको कहते हैं रिसेप्टेकल, ठीक है, रिसेप्टेकल। ये वाला जो आपका पत्ता जैसा निकल रहा है ये आपकी ब्रैक्टेट है, दिस इज द ब्रैक्टेट कंडीशन, समझ में आ रहा है आपको। हेलो, इसकी एक पिक्चर भी दिखाओ, किसी का एक पिक्चर है यहाँ पर, ड्रॉ करना तो आसान नहीं है लेकिन मैं आपको इसकी डिक्स फ्लोरेट का ये स्ट्रक्चर आप किसी भी गूगल में टाइप करो आप देख सकते हो इस तरह का, इसका यहाँ पर ही ओव्यूल्स है डिक्स फ्लोरेट का, इसी जगह पे एंथर है यानी कि ये फीमेल पार्ट है, ये आपकी मेल पार्ट है, यहाँ पर ही एंथर मिलेगा, एंथर के ऊपर देखो यहाँ पर ही स्टाइल स्टिग्मा है तो यह फीमेल पार्ट है, उसके ऊपर आपकी पोलेन पोलेन ग्रेन्स यहाँ पर ही है, ठीक है। तो ये देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो रहा है ये डिक्स फ्लोरेट, ठीक है, बाइसेक्सुअल है, डू यू अंडरस्टैंड, हेलो, समझ में आ रहा है ना आपको। हाँ, सो इस तरह का यही आपका एग्जाम, या ठीक है कोई बात नहीं। सो लेट अस नाउ गो टू दी आवर आवर बोर्ड, यही था कैपिट्यूलम फ्लावर, सनफ्लावर या मैरीगोल्ड का ये आपका एक स्ट्रक्चर हमने डिस्क्राइब किया, ठीक है। साइमस इन्फ्लोरेसेंस आज हम लोग नहीं टच करेंगे, आज इतना तक ही करेंगे क्योंकि रेस्मोस को याद करो, उसकी एग्जाम्पल को याद करो, व्हाट इज एक्टिनोमॉर्फिक, व्हाट इज एक्टिनोमॉर्फिक, व्हाट इज जाइगोमॉर्फिक, ये सारे पहले आप याद कर लो, समझ लो कैसे क्या होता है, कौन सा रे फ्लोरेट है, क्या है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो वी कैन डिस्कस लेटर। फिर से एक बार बता देता हूं कि ये जो इन्फ्लोरेसेंस है, इन्फ्लोरेसेंस का लास्ट पार्ट में हमने क्या देखा था, रेस्मोस, दैट रेस्मोस, रेस्मोस ने क्या देखा था, इलोंगेटेड मेन एक्सिस इज इलोंगेटेड, उसमें हमने कुछ पॉइंट देखा था जैसे रेसिमी, स्पाइक, कैटकिन, स्पैडिक्स एंड स्पाइकलेट, उसके बाद हमने देखा था मेन एक्सिस शॉर्ट एंड, इसमें हमने देखा कोरिम, अम्बल, ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट में आएंगे जैसे हम लोग मेन एक्सिस है फ्लैट एंड, फ्लैट है, ठीक है, फ्लैट एंड है, इसको कहते हैं कैपिट्यूलम।
नाउ इस कैपिटुलम, इस पर एग्जांपल है सनफ्लावर का, मैरीगोल्ड का, इसमें रे फ्लोरेट और डिक्स फ्लोरेट दोनों टाइप के होते हैं। सो आप पहले इसको पहले ठीक से याद करो, उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग साइमोस इनफ्लोरेसेंस को टच करेंगे। होप यू कैन अंडरस्टैंड स्टूडेंट। हेलो, समझ में आया? ओके, सो हम क्लास को यहीं पर ही लीव करते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन बेटर वे। घर में पढ़ो, वीडियो को बार बार देखो, चला के अपना नोट्स बनाओ, यू विल रियली सक्सीड। थैंक यू।